फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी। देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या फीलिंग्स रखते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। चलिए देख लेते हैं, पहले इससे देखेंगे, उसके बाद दूसरे डेक से देखेंगे। ठीक है, इधर हम आपके कार्ड निकाल रहे हैं, इधर थर्ड पार्टी के निकालेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। देखिए, यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट इश्यू हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में शुरू से ही ट्रस्ट इश्यू हैं, और ये ट्रस्ट इश्यू बीच में कहां से आए, ये आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर्स ने ट्रस्ट इश्यू पैदा किए हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स ये नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों और आपकी शादी हो। लेकिन किसी तरह से शादी तो आपकी हो गई, मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि शादी तो आपकी हो गई है, और नहीं हुई है तो हो जाएगी। मुझे यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है उसमें जो है केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, और मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है। एक पुल है जो आपको एक दूसरे की तरफ खींचता है, यानी कि आपकी ब्यूटी उनको अट्रैक्ट करती है और उनकी ब्यूटी आपको अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है। यहां पर फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक चांस लेना चाहते हैं आपके साथ में। यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से ट्रस्ट इशू हैं, बड़ा मुश्किल काम हो जाए एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना। तो यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एक चांस आपसे मांग सकती हैं। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है कि किसी तरह से मुझे जो है एक चांस मिल जाए और मैं शायद सब कुछ ठीक कर दूं, ऐसा भी सोच रहे हैं। यहां पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, वहां पर आपके पर्सन की फैमिली मेंबर्स जो है वो शादी करवाने की पूरी उन्होंने कोशिश कर रखी है, एंगेजमेंट करवाने की। और यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिंगल है, उनकी एंगेजमेंट मैरिज और कहीं होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है कि उनके फैमिली मेंबर्स उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, इसी वजह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आगे एंगेजमेंट से मैरिज तक की बात ले जाएंगे, क्योंकि उनका प्रेशर उनके ऊपर है। ठीक है, और जो ऑलरेडी मैरिड है उनकी हम बात करते हैं, तो यहां पर यह भी है कि थर्ड पार्टी अभी तक उनको बहुत कंट्रोल कर रही थी, अभी तक बहुत ज्यादा कंट्रोल इश्यू है उनके लाइफ में, अभी वो उनको लेट गो करना चाहते हैं, वो किसी के कंट्रोल में रहना नहीं पसंद करते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहां पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद ये जो एंगेजमेंट का फोर्स डाला जा रहा है, ये भी जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा है, यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो ये सोच रहे हैं कि जो मेरे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं इनको मुझे छोड़कर कहीं जाना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। यहां पर बहुत ही पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरी लव लाइफ बेटर हो जाए। लेकिन मुझे यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन खुश नहीं है अंदर से, भले ही वो अपने फैमिली के बीच में है, भले ही वो अदर पर्सन से शादी कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि उनका जो है मन तो आप ही के पास में है, वो आपसे एक चांस चाहते हैं। मुझे यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है, जो सिंगल है वो भी और जो मैरिड है वो भी, यहां पर आपके पर्सन आपसे एक चांस चाहते हैं, केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत स्ट्रांग है, यहां पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है उनके ऊपर, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से पॉजिटिव रह सकूं, क्योंकि रह रह करके उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं अपने आप को संभाल पाऊं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या चल रहा है। रिजेक्शन, देखिए आपके पर्सन एक चांस मांग रहे हैं आपसे, लेकिन उनको डर लग रहा है कि रिजेक्शन का, कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। नेक्स्ट है बैलेंस, ये आपके कार्ड है, इधर हम थर्ड पार्टी के कार्ड निकालेंगे। एक साथ ही निकल आए तीन कार्ड, तो एक कार्ड आपका और ले लेते हैं। देखिए मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है गाइस कि मैं पहले आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, उसके बाद में थर्ड पार्टी की देखूंगी। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन, मैंने बताया कि एक चांस मांग रहे हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है रिजेक्शन का, क्योंकि उन्होंने आपको ठुकराया था पास्ट में।
ठीक है, उन्होंने पास्ट में आपको ठुकराया था, इसी वजह से उनको रिजेक्शन का डर लग रहा है कि कभी मेरा पार्टनर मुझे ना ठुकरा दे, क्योंकि मैंने उनको ठुकराया था, इसी वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। बहुत सारे रहस्य हैं उनके पास में, यानी कि बहुत सारी बातें उन्होंने छुपा रखी हैं जो आपको पता भी नहीं है थर्ड पार्टी के बारे में, चाहे फैमिली मेंबर्स है चाहे अदर पर्सन है, लेकिन वो क्लियर कट बताते नहीं है। वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर भी, थर्ड पार्टी में भी, अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकती हैं, एक्वेरियस हो सकती हैं, आपके पर्सन एरीज हो सकती हैं, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये स्ट्रांग वाइब्स आ रही हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन जो हैं अभी ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से मुझे बैलेंस बनाना चाहिए। आपके हो सकते हैं 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हो सकती हैं, 2 लड़के एक लड़की हो सकती है, या फिर 1 लड़का 2 लड़की हो सकते हैं, या फिर किसी के 2 लड़के भी हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपने बच्चों के साथ में और आपके साथ में अभी बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो आपको पूछते भी नहीं थे, आपको जो है बिल्कुल भी अहमियत भी नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी तरह से जो है अपनी लाइफ को ठीक करना चाहिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके पास रहते हैं लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी में जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की हो सकता है ऑन ऑफ की सिचुएशन भी हो, ठीक है, या ये पर्सन चोरी छुपे किसी दूसरे पर्सन से मिलता है लेकिन आपको भनक भी नहीं है, आपको बोल के जाते हैं जॉब में जा रहा हूं, ठीक है। ये पर्सन आपकी पीठ के पीछे बहुत गेम खेल रहा है, बहुत सारे सीक्रेट्स इसके लाइफ में हैं, लेकिन ये कभी बता नहीं सकता क्योंकि इसकी जो है बेइज्जती हो जाएगी, इस वजह से ये पर्सन बताना भी नहीं चाहता है, और ये बहुत इस बोझ के तले दबे जा रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत दुखी है, अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका है, बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन ये दिखाता किसी को नहीं है, ये ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूं। आप अपने पार्टनर को देखेंगे तो उसके चेहरे पर आपको एक अच्छी सी जो है मुस्कान दिखेगी, या फिर उनका चेहरा जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि ये हमेशा खुशी रहता है, यानी कि आपको अपने इमोशंस वो कभी दिखाएगा नहीं, इस टाइप का बंदा है ये, ठीक है। अब हम देखें थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। तो गाइस, थर्ड पार्टी में इनके मदर इश्यू बहुत ज्यादा है, मदर जो है ना इनकी, मदर हो सकती है या फिर आपकी जो है ननद हो सकती है, यहाँ पर लेडी का रोल मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये लेडी जो है ना ये बहुत लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करती है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे कपड़े पहनना, चाहे इसकी एज कितनी ही हो, लेकिन अगर ये ओल्ड एज में भी है तो ये बहुत ज्यादा अपने आप को प्रियोरिटी देती है, अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, इसको लग्जरियस लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा घर हो, टीवी वगैरह, एलसीडी वगैरह सब इनके पास में हो, कोई पैट वगैरह भी पाल रखा होगा, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन इनके बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि रात दिन कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या करूं मैं, क्योंकि ये इनको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका जो है मन अपने पेरेंट्स के साथ में ही है, पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स में कोई भी मेंबर हो जिनकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जिनकी तरफ वो ज्यादा लगाव रखते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि चाहे फैमिली मेंबर्स में से कोई हो जिनके प्रति इनका लगाव बहुत ज्यादा है और वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनके दिल से उनका जो है नाम उतरता ही नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का दिल अभी धड़कने लगा है, आपके पर्सन का दिल जो है वो जोर जोर से धड़कता है, यानी कि उनके हार्ट चक्रा में कुछ सेंसेशन होने लगी है और वो आपके प्यार को फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर से आप जो है आप अपने पास से जो उनको वाइब्रेशन सेंड करती हैं, जो प्यार भेजते हैं, जो दुआएं भेजते हैं, उनको वो फील होती हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए जो है उनका दिल आपको ही चाहता है, आपको ही ढूंढ रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चाहे वो आपके साथ रहते हैं, चाहे वो दूर रहते हैं, जैसे भी सिचुएशन में हैं आपके पर्सन, आप देख लीजिए, ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी, अदर पर्सन या फैमिली मेंबर्स का फंसे तो है, लेकिन इनको कोई जो है क्लियरिटी नहीं है वहां पर कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा यहाँ पर, या फिर जो है ये लोग मुझसे खुश भी हैं कि नहीं, मैं ही 100% दिए जा रहा हूँ, क्या ये भी मेरे से खुश हैं या फिर मुझे झेल रहे हैं, ऐसा भी आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं डेक से। एंजल ऑफ लव, आपके पर्सन का भी हर्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है ना, इसका मतलब है कि एंजल्स आपको दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
आपकी पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहती है क्योंकि उनका दिल अभी आप ही के पास में है, उनका दिल धड़कने लग गया है, मैंने बताया, और वो चांस चाहते हैं, मैंने ये भी बताया, कार्ड बता रहे थे, और वो वहां से वॉक अवे करना चाहती हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ करके, चाहे वो अदर पर्सन है चाहे फैमिली मेंबर्स है जिनकी शादी नहीं हुई है थर्ड पार्टी अदर पर्सन साथ में, उनके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि आपकी ब्यूटी की तरफ वो अट्रैक्ट है, हमने ये देखा था कार्ड में, और यहाँ पर भी मुझे वही कार्ड मिला है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, आप बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी के हैं, आप जो है चीजों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, आप जो है अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, आप अपने आप को भी बहुत मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर 200% पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड वो आपसे ही अपनी दुनिया देखते हैं, आपसे ही अपना संसार देखते हैं, आप हैं तो सब कुछ है ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपके अंदर ही सब कुछ दिखता है। आपको वो बहुत ही अच्छा पर्सन भी देखते हैं, आप किस तरह से बुरी सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बाहर निकल आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वैसे थर्ड पार्टी में काफी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, काफी पैसा है, काफी अबंडेंस है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका दिल वहां पर नहीं लगता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पर आपके जो पितर हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, वो उनको मदद कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं एक करने के लिए। यहाँ पर पूरी कायनात एक हो रही है, आपको मदद कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है कि आप दोनों एक हो जाएं। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हैं और कुछ सोलमेट भी हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वाह, रिवर्स में आए। देखिए जिस सुंदरता की तरफ वो अट्रैक्ट थे, चाहे वो अदर पर्सन थर्ड पार्टी है, या फिर चाहे उनकी फैमिली मेंबर्स में से उनकी मदर हो सकती है, या फिर जो उनकी बहन हो सकती है, उनकी भाभी हो सकती है, कोई भी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये उनसे बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, लेकिन यहाँ पर रिवर्स में आए हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में इसके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या फिर इसको मैंने बताया कि ये सोच रहा है कि बंदा कि मैं ही इनसे प्यार करता हूँ या ये भी मुझसे प्यार करते हैं। मैंने बताया था, देखिए ये कार्ड मिलने से पहले मैंने बताया था, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि आपके पर्सन का जो मन है ना, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दुखी हो रहा है, इसीलिए वहां से वॉक अवे करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये रिवर्स में आया कार्ड कि जिस पर्सन की तरफ इनका अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन मतलब कोई अदर पर्सन की तरह नहीं, फैमिली मेंबर्स में जैसे एक परिवार में प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, इस तरह से कि जिनके प्रति उनका अटैचमेंट था, देखिए जिनके प्रति फैमिली मेंबर्स में उनका अटैचमेंट था, रिवर्स में आया है। उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, या फादर हो सकती है, देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी उनका दिल जो है वहां से हट चुका है, वो आपके साथ में केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। वो आपकी अभी जो है केयर करना चाहते हैं, पास्ट में हो सकता है आपने बहुत केयर की हो, बहुत ज्यादा उनकी देखभाल की हो सकता है उनको हेल्थ इश्यू हो तो आपने उनकी बहुत देखभाल की हो, उनकी फैमिली मेंबर्स की बहुत देखभाल की हो, वो सब दिन उनको याद आ रही है। आपके लिए लकी हो सकता है 13 नंबर 15 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 14 नंबर 9 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 4 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 3 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। डोर टू स्प्रिट, देखिए आपके आसपास अभी अर्थ एंजल्स हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उनके जो भी इंडिकेशंस आपको मिलती हैं प्लीज आप उनको देखा करें, ठीक है, ताकि आपको सही से गाइडेंस मिल सके। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हीलर ऑफ द एजेस, अभी थोड़ा सा हीलिंग भी करनी है आपको। आर्कएंजल राफेल आपकी काफी मदद करेंगे इस चीज में, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल काफी मदद करेंगे, और तुरंत ही आपके साथ में ये जो है सपोर्ट के लिए खड़े हो जाएंगे अगर आप इनको पुकारेंगे तो। आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के जरिए आप एंजल से कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है मेडिटेशन की भी और एंजल्स की भी, आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग अपने एंजल देख सकती है, वो भी वीडियो मैंने डाल रखी है। आप मेरे चैनल पर विजिट करिए और आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, प्लेलिस्ट में मैं अभी डाल नहीं पाई हूँ, ठीक है, थोड़ा बिजी हूँ इस वजह से, कुछ वीडियो ही मैंने प्लेलिस्ट में डाली थी, बाकी सारी आपको चैनल पर मिलेंगी, बहुत सारी वीडियो हैं आप देख सकती हैं, ठीक है। तो गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो हो सकता है कि अभी काफी स्टेबल हो चुके हैं और उनके पास में काफी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अभी उनसे उनका दिल भर गया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, चाहे अदर पर्सन है चाहे कोई भी है। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि उनको समझ में भी आ गया है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और कुछ सोलमेट हैं, यहाँ पर अटैचमेंट आपके प्रति बहुत ज्यादा फील कर पा रहे हैं, उनको ये रियलाइज हो गया है कि वाकई में ही हम इस जर्नी में हैं और हमें अपने कर्मास पूरे करके और हमें मोक्ष को पाना है, यानी कि जो भी अटैचमेंट
अटैचमेंट है उसको खत्म करना है धीरे धीरे। हम जितना अटैचमेंट खत्म करेंगे उतना ही हम आगे जिंदगी में बढ़ पाएंगे, और जिस चीज से मोह रखेंगे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, अगर आप किसी चीज से भी मोह रखते हैं तो आपको वो जर्नी में सक्सेस नहीं होने देगा, चाहे वो फिर पर्सन है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कुछ भी है। जिस भी चीज से आपका ज्यादा लगाव है आपको वो चीज छोड़कर जानी ही पड़ेगी, वरना उसके साथ में आपके जो कर्म बनेंगे ना, फिर नेक्स्ट जन्म आपको फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा और उसके साथ वो कर्मा पूरे करने पड़ेंगे। मोक्ष जब ही मिलता है जब हम सभी चीजों से लगाव खत्म करते हैं, फिर चाहे वो बेटा बेटी है, चाहे वो पति है, चाहे वो सास ससुर है, चाहे कोई भी है, एक बार तो आपको त्यागना ही पड़ता है। ठीक है, आप अगर दिल से त्यागते हैं, ये नहीं कि मैंने तो वीडियो देख ली और मैंने छोड़ दिया भाई उनको, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप उनको गाली दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं भगवान उनको वापस भेज दो, नहीं, आप अपने दिल से एक बार ये कह देंगे कि बस मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने लिए वर्क करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी जर्नी पर ध्यान देना है, तो जो पर्सन आपको मिलना होगा ना वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। यहां पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, ठीक है, कुछ मेरे एक्सपीरियंस मेरी लाइफ के भी हैं। देखिए, आपको अटैचमेंट तो खत्म करना ही होगा। अटैचमेंट जब तक हम रखेंगे, किसी चीज से मोह रखेंगे, हम आगे सक्सेस नहीं पा सकते जर्नी में, और हम जो है मोक्ष को नहीं पा सकते हैं। किसी भी चीज की कामना लेकर के जब इंसान मरता है ना, किसी भी चीज की कामना, जैसे हमें सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, वो मुझे बहुत प्यार करता हो, सारी जिंदगी हम ऐसा सोचते रहेंगे, उसके पास बहुत पैसा हो या मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मकान हो, जब तक हमारे दिल में ऐसी इच्छाएं रहेंगी, मेरा बेटा या बेटी बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत प्यार दे, मेरी बहुत सेवा करे, या फिर हमारे पास में बहुत धन हो, बहुत सुखमय जीवन हो, अगर हम बार 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 इन्हीं चीजों की सोचते रहेंगे तो हमारे माइंड में ये पक्का हो जाता है, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। और जब जिस इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती ना, नेक्स्ट जन्म में वो उसी के लिए फिर से आता है। अगर मरते टाइम कोई पत्नी के बारे में सोच रहा है तो वो पत्नी के लिए आएगा, पति के बारे में सोच रहा है तो उसी पति के लिए आएगा, फिर चाहे उसको कितने दुख मिले क्योंकि उसके साथ उसके कर्म भी हैं, फिर वो बेटे के लिए ज्यादा उसका मन है तो उसके लिए आएगा पृथ्वी पर। पैसे नहीं कमाए, मैंने ऐशो आराम नहीं लिया, मैं वो जॉब नहीं पा सका जो मेरी दिली तमन्ना थी, तो आप उसके लिए जरूर नेक्स्ट जन्म में आएंगे, फिर से आपको वही स्टेप गुजर करके जाना पड़ेगा और वही जॉब पानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए जितना आपको मिलता है, जितना यूनिवर्स गॉड आपको देता है, उसमें संतुष्टि रखना सीखिए। सबसे बड़ी बात है कि संतुष्ट रहना सीखिए। जो भी इंसान जो है जितनी डिजायर रखेगा उतने ही जन्म होंगे, क्योंकि एक जन्म में पूरा नहीं होगा, दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में पूरा नहीं होगा, तीसरे जन्म में, वो फिर ऐसा चलता रहेगा चक्र। ठीक है, इसलिए अपने डिजायर्स कम से कम रखें, खुश रहना सीखें कि भगवान जो भी आपने मुझे दे दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूं, जो आप मेरे लिए कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ये दुख जो अगर हम झेल लेते हैं ना तो गाइस हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम है, ये हमारे कर्मों के फल होते हैं, हमें जो दुख मिल रहे हैं, और एक इंसान को नहीं सभी को मिलते हैं, मुझको भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, किसी और को भी मिलते हैं, जिसकी किस्मत में जितने दुख लिखे होते हैं वो सबको मिलते हैं, और ये हम खुद अपने हाथों से बीज बोकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए बुरा मत मानना गाइस कि आप कहेंगे कि इसको तो बहुत सुख है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंसान को सामने वाले को कुछ दिखता है, किसी की लाइफ में बहुत खुशियां दिखती है, लेकिन उसके अंदर झांककर देखिए उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए हर एक इंसान को दुख होते हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई, अब आप ये मत कहना कि भाषण दे दिए। ठीक है, मुझे अपनी बड़ी बहन समझ करके माफ कर देना, या छोटी बहन जिनके लिए हूं उनके लिए छोटी बहन समझ कर माफ कर देना। ठीक है, चलिए अर्थ कनेक्शन, आपको ग्राउंडेड होकर के रहना है। ठीक है, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने की जरूरत है आपको, नेचर से जितना आप कनेक्ट होंगे इतना आपको पीस मिलेगी, आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, धर्मा अनफोल्डिंग, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे खुशी की तरफ। देखिए मैंने आपको क्या समझाया था, जितना हम रिलीज करेंगे उतना ही हमें भगवान देगा, आप सही पाथ पर हैं, अगर आपने ये मेरी बातें सुनी है ना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इन चीजों को लागू कर रही हूं, आपने अगर मेरी ये बातें सुनी हैं तो प्लीज 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 उनके ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या सोलमेट है, जैसे भी हैं आपकी लाइफ में, आप मोह को खत्म करिए, धर्म अनफोल्डिंग, यहां पर देखिए आपने जो भी अभी तक धर्म किया है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, आप सही पाथ पर हैं। ठीक है, एक एक स्टेप आप सही आगे बढ़ रहे हैं, आपको खुशी मिलेगी,
वेरी नाइस, मुझे बहुत खुशी हुई इतना अच्छा कार्ड निकला है। दो दो कार्ड निकला है, चलो दोनों को ले लेती हैं। देखिए आपको जो भी गॉड ने गिफ्ट दे रखी ना उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपको जो भी कुछ आता है आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनिए, आपको प्यार मिलेगा, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। फेजेस एंड साइकिल्स, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिवील होंगी। जो लोग आपको भ्रम में रख रहे थे कि मैं आपको बहुत चाहता हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मैं आपकी लाइफ में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जो आज तक आपसे छुपा करके आपके पीठ में छुरा घोपते आए हैं, वही पर्सन की सच्चाई आपके सामने आएगी। चाहे फिर वो आपके भाई बहन है, चाहे आपके पति हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, इसलिए जो है उनको ध्यान से देखिए और उनको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बताया आपको, एकदम एक्यूरेट मैंने आपके सामने कार्ड निकाले हैं, एकदम एकदम एक्यूरेट कार्ड है और एकदम मैंने एक्यूरेट बताया। हर चीज की एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत होती है। स्पिरिट गाइड्स आपको मदद कर रही हैं, एनिमल स्पिरिट्स आपको बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।